हेलो गाइस, वेलकम टू आईके ब्लॉग। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं ट्रिपल आर देखने के लिए। तो एक्साइटेड भी है और एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि हम लोग 3D में देखने वाले हैं। आज तक कभी गए नहीं है, 3D में मजा ही अलग है। ये ट्रिपल आर का तो हम लोग करीब एक साल से वेट कर रहे थे, वेट करते करते आज फाइनली आज देखने जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड है हम दो भाई और भी है। और आपको पिठारी जाके उमेश भाई तो करना है। हाँ, उमेश भाई तो घर में आदमी नहीं था, इसलिए हम लोग यहीं का धरन का ही वो मजा ले रहा है उमेश भाई। भेजने का तो मन नहीं था, क्या करे बेचारा, क्या करे, मजबूरी सिटी में ही ले जाते, लेकिन यहाँ पे मम्मी लोग अकेली हो जाती, इसलिए नहीं ले गए भाई। अभी फिलहाल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, यहाँ से अभी यहाँ से एक भाई जान आएंगे। फिलहाल हम लोग बस स्टैंड जा रहे हैं, बस स्टैंड यहाँ से, यहाँ पे आपको 7 बजे तक बस मिल जाएगी। 7 से अगर प्लस हुआ तो टाइम आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ का रास्ता बीच में आपको जंगल जंगल एरिया पड़ जाती है, इसलिए बस सब उधर से नहीं गुजरता है। ये देखिए, ये है पार्क, आप यहाँ का सीन भी देख चुके होंगे। कलान पार्क है, हम लोग घंटाघर पहुँच चुके हैं। ये है घंटाघर, यहाँ का भी सीन देखे होंगे आप हमारे मेरे दूसरे वीडियो में। ये बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड, आपको यहाँ से आपको जहाँ घूमना है दरान का, सब जगह में आप सब जगह गाड़ी जा। अरे कहना क्या चाहते हो, जाती है यहाँ से सब जगह का बस टेम्पू मिल जाएगा। यहाँ भाई दिन में उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा इस बस स्टैंड, रात में बहुत ही मजा आता है। यहाँ का रोल्स मोमो, एग रोल्स बहुत फेमस है यहाँ का। ये उधर है आपको एग रोल्स मोमो, नाश्ता का ठेला उधर लगता है। और ये जो है भानु प्रसाद, ये भानु का ये है चौक है, इसी का नाम से है आपको भानु चौक। अभी हम लोग बस की ओर जा रहे हैं, बस की कोई बस शायद है नहीं। हाँ, एक बस है, अब उस बस में ही जाना है हम लोगों को। अंधेरा भी काफी, अंधेरा तो फिलहाल नहीं हुआ है, ये मौसम के कारण कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है, क्योंकि आज का मौसम थोड़ा खराब है लग रहा है, बारिश होने वाली है कुछ ज़्यादा ही। वो देखिए, वो सब बुला रहे हैं हमें, वो सब बुला रहे, लेकिन वहाँ जाना नहीं है हम लोग, लेकिन वहाँ आगे बस लगी हुई है, हम लोग को हटा रहे हैं, हमको जाना है। और 8:30 बजे का शो है, अभी हम लोग निकलेंगे भाई। 8:30 बजे मूवीज है ना, टिकट बस मिल गई है, ये बस भी मिल गई है, बस में चढ़ने वाले हैं। हम लोग यूपी करके कट चुके हैं बस में, तो अब मिलते हैं डायरेक्ट सिनेमा हॉल में। तो यार बस का कंडीशन भी अच्छी है, साफ सुथरा है। तो दोस्तों, अब मिलते हैं डायरेक्ट सिनेमा हॉल में। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बिजली ऑफिस। ये आपको पीछे बिजली ऑफिस, ये रास्ता आपको सेंट्रल मॉल जाने का रास्ता है, जा रहे हैं सेंट्रल मॉल। वैसे बहुत एक्साइटेड है, टिकट भी बुक हो चुका है और 8:30 बजे शो भी स्टार्ट है। एक्साइटेड इसलिए के है क्योंकि एस एस राजा मौली का तो कुछ एक्स्ट्रा ही होता है मूवी, जैसे कि आपने बाहुबली देखे ही होंगे। बाहुबली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, बाहुबली का भी रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है, और मार्वल्स का भी 3 फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, मजा। अभी तो फिलहाल एक दिन में 223 करोड़ का रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन अब आज तो 3 दिन हो चुका है, यानी 500 करोड़ हो चुका होगा, 500 करोड़। हाँ, 500 करोड़ तो 500 करोड़ तो हो चुका होगा। तो अब 3D में देखते हैं
ऐसा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, इससे पहले 3D में कभी हम गए हुए नहीं। भाईजान शायद गए होंगे, भाईजान भी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि 3D है, 3D का मजा ही कुछ अलग है। देखिए वहाँ झगड़ा चल रहा है, दीदी और बहन झगड़ा चल रही है। भाई नेपाल में घूमने का ही मजा ही कुछ और है, घूमने का मजा ही कुछ और है। यहाँ पे आपको साफ सुथरा मिल जाएगा, देखिए पूरा रोड वगैरह साफ सुथरा है, घर सब मकान अच्छी अच्छी घर भी है। ये विराट नगर तो ज़्यादातर हॉस्पिटल की वजह से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर सब भी रहते हैं, हॉस्पिटल भी अच्छे अच्छे हैं, जैसे कि आपको हॉस्पिटल हो, आपको यहाँ का न्यूरो हॉस्पिटल है, नोबेल न्यूरो कोशी, बहुत बड़ा बड़ा हॉस्पिटल भी है, बहुत दूर दूर से पेशेंट सब आते हैं इलाज करवाने के लिए। यहाँ खास करके आपको आँखा अस्पताल ज़्यादा फेमस है, अस्पताल आपका वो बीमारी। तो हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो अब हम लोग को राइट की ओर जाना है, सेंटर मॉल पहुंचने ही रहे सेंटर मॉल, मल्टीप्लेक्स वही है, वही है मल्टीप्लेक्स। इससे पहले तो गए थे सेंटर मॉल लेकिन टाइम नहीं होने के कारण ज़्यादा घूम नहीं पाए, आज सोचे कि थोड़ा घूम भी लूँ कैसा है सेंट्रल मॉल। भाई बहुत जोर से पेशाब लगा हुआ है मुझे, मैं जाके पहले पिस करूँगा उसके बाद कुछ करूँगा। भाई जान को जोर का सुसुत लगा हुआ है, सुसुत लगा हुआ है मुझे भी, कर लेंगे तो अच्छा होगा, ब्रेक नहीं लेना पड़ेगा बीच में शायद। हम लोग तो देखिए हम लोग सेंट्रल मॉल पहुंच चुके हैं, ये रहा पार्किंग जाने का रास्ता है, ये जो है बैक साइड का ये सेंट्रल मॉल है, ये बैक साइड का बैक तो का है, आगे का व्यू आपको जाने के पहले दिखाएंगे। ये रहा गार्डन भी अच्छी है, पहुंच चुके अब शायद हम लोग को ऊपर जाना होगा लिफ्ट से, लिफ्ट ना अब हमें लिफ्ट चढ़ना होगा। बंद हो चुका है लिफ्ट, ऑन ग्राउंड मिलते ना, अब हमें सीढ़ी से ही जाना होगा वहां साहब। जाना होगा, चलिए मौसम काफी अच्छी है, अंदर में तो कुछ ज्यादा ही क्राउड होगा क्योंकि एस एस राजा मौली का मूवी है, प्लस कास्ट करने वाला NTR जूनियर NTR प्लस कौन है भाई रामचरण, बहुत सुखे हैं ज़्यादा नहीं है कि
कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? कैमरा भी लेके जाना अलग लगता है। गजब का मॉल है भाई साहब, ये देखिए मॉल का व्यू। ये आपको फेशियल एंड स्पा है, ये देखिए। अगर कभी विराट नगर आए तो सेंट्रल मॉल भी घूमे। ये आपको कॉफी स्टोर है, यहाँ पे आपको कॉफी कॉफी चाय वगैरह मिल जाएगा। ये रहा कॉफी स्टोर, पता नहीं क्या क्या है बट एक्सपेंसिव है थोड़ा। क्लोज हो चुका है ये। ये आपको कैफे, ये रहा कैफे। रेस्ट के लिए यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। भाई तो ज़्यादा परेशान ना हो, यहाँ पे आपको नाश्ता वगैरह मिल जाएगा। ये आपको छोटा सा सेंट्रल मॉल का कैफे, वो है आपको गेमिंग जोन। वो आपको गेमिंग जोन रहा, वहाँ पे जाके आप गेम वगैरह खेल सकते हो। ये फूड कोर्ट, ये देखिए ये फूड कोर्ट। चलिए नज़दीक से आपको दिखा देते हैं, अंदर तो शायद नहीं जा सकते, जाना भी नहीं है, पैसा ही नहीं है, कहाँ से खाएंगे। ये है फूड कोर्ट, ये रहा फूड कोर्ट, पता नहीं इधर क्या है। अभी अभी आधा घंटा टाइम है मूवी स्टार्ट होने के लिए, तो सोचे कि ब्लॉग बना लूँ सेंट्रल मॉल का। अभी तो लिफ्ट वगैरह भी बन गए, नीचे जाने में पूरा अच्छी लग रहा है, अच्छी मो यानी तेजीपन लग रहा है नीचे जाने के लिए। मॉल तो बहुत ही खूबसूरत है बट फैंसी है, एक्सपेंसिव है। अब हम जा रहे हैं मूतने के लिए। क्या बोला तूने? भाई जान मेरे वीडियो बनाई कर सकते हैं।
वॉशरूम से निकल गया होगा, जाना पड़ेगा उसको पिक पे से ही करना पड़ेगा। अब हम लोग गिनती के समय आपको कंटिन्यू करेंगे भाई, ठीक है। अभी दोस्तों देख सकते हैं कितना क्राउड है, लग रहा है ऐसे कि जंग लड़ने आए हुए हम लोग फिर भाई मिलते हैं अंदर में। चेकिंग थोड़ा हार्ड है, हो चुका है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ है।
भगवान।